हाउ टू डाउनलोड आधार कार्ड एक्सएमएल फाइल फॉर ऑफलाइन केवाईसी। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र भारद्वाज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। मेरा आज का वीडियो आधार कार्ड की एक्सएमएल फाइल को लेकर जुड़ा है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह आधार कार्ड की जिप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ जो आप सभी लोगों के लिए काफी काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप में से काफी लोग ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते होंगे या किसी कंपनी में रजिस्टर करते होंगे, तो वहाँ अब आपको ऑफलाइन केवाईसी के लिए एक ऑप्शन दिखाई देता है जो कि होता है एक्सएमएल फाइल का, कि आधार कार्ड की एक्सएमएल फाइल आपको इसमें अपलोड करनी होगी। तो आप आधार कार्ड की एक्सएमएल फाइल को बहुत ही आराम से आधार कार्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिए कि एक्सएमएल फाइल को किस तरह डाउनलोड किया जाता है, क्योंकि मैं आपके सामने आगे ऐसे वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आपको इस एक्सएमएल फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं पहले से ही वीडियो बना के तैयार रखा हूँ ताकि आप सब लोग एक्सएमएल फाइल को डाउनलोड कर पाए। तो चलिए अब हम आधार कार्ड की जो एक्सएमएल फाइल है उसको डाउनलोड करना सीख लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ और यहाँ मैं आधार कार्ड ले लेता हूँ। आधार कार्ड लिखते ही देखिए आधार कार्ड की वेबसाइट हमारे सामने आ जाती है। ये आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है uidi.gov.in। तो इसको यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ। ये वेबसाइट हमारी ओपन हो चुकी है। अब आपको यहाँ माई आधार वाले ऑप्शन पे आना है। माई आधार वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको देखिए कि यहाँ ऑप्शन दिखाई देता है आधार ऑफलाइन ई केवाईसी का, जो कि है बीटा वर्जन में। तो आपको इसी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज खुल जाता है। उसमें देखिए मेंशन हो रखा है कि आपकी एक जिप फाइल डाउनलोड होगी जिसमें आपको 4 नंबर का एक स्वीकृति कोड डालना होगा। उसी स्वीकृति कोड के माध्यम से आप अपनी एक्सएमएल फाइल को शेयर कर सकते हो। तो ये जो ऑफलाइन ई केवाईसी आजकल बहुत सी कंपनियां मांग रही है, काफी सारी ट्रेडिंग कंपनियां हैं, काफी सारे बैंक हैं जो आजकल ऑफलाइन ई केवाईसी मांगते हैं। तो उसमें आपको केवल एक जिप फाइल डाउनलोड करनी होती है, वो जिप फाइल आपको ऑनलाइन अपलोड करनी होती है और उस जिप फाइल के साथ आपको एक पासवर्ड भेजना होता है जो कि आप यहीं पर क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपके सामने आधार कार्ड का ऑप्शन आता है, वर्चुअल आईडी का ऑप्शन आता है। आप चाहें तो आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, आप चाहें तो वर्चुअल आईडी के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ आपको अपना ये जो सिक्योरिटी कोड दिखाई दे रहा है ये डालना होगा और सीधा सेंड ओटीपी भी क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालिए और देन सिक्योरिटी कोड डालें और सीधा डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपको बोलना चाहूंगा अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है तभी आप इस जिप फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इस जिप फाइल को डाउनलोड करते हैं। यहाँ मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ और देन सिक्योरिटी कोड डाल के सीधा सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने अपना आधार नंबर यहाँ डाल दिया है और देन सिक्योरिटी कोड भी डाल दिया। मैं सीधा सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन में क्लिक करते ही मेरे रजिस्टर मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। हम यहाँ नीचे आते हैं। यहाँ देखिए आपको ओटीपी लिखना है और ये क्रिएट ए शेयर कोड फॉर योर ऑफलाइन ई केवाईसी, यहाँ आपको कोड लिखना है। तो जो भी आप कोड लिखना चाहते हैं यहाँ वो आप कोड लिख सकते हैं। जैसे कि मान लिया मैं 7060 ये कोड लिख देता हूँ। ये एक तरह का पासवर्ड होता है जो आपका जिस फाइल के अंदर पड़ा होता है। और जो मेरे मोबाइल पे आधार कार्ड का ओटीपी आया है वो ओटीपी मैं यहाँ डाल देता हूँ। ओटीपी मैंने यहाँ डाल दिया और अपना जो पासवर्ड है जो कि जिप फाइल का पासवर्ड है वो मैंने यहाँ डाल दिया जो कि होता है 4 नंबर का। अब देखिए यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है डाउनलोड का, तो आप सीधा डाउनलोड वाले ऑप्शन में क्लिक करिए। डाउनलोड वाले ऑप्शन में क्लिक करते देखिए हमारी ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इस फाइल को आप अपने मोबाइल में ले सकते हैं या आप इसी के माध्यम से इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका था जिसके माध्यम से आप ऑफलाइन ई केवाईसी के लिए आधार कार्ड की एक्सएमएल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये फाइल डाउनलोड करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी आए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर फोन करके मेरी हेल्प ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।